मित्रों मध्य प्रदेश विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे, शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहाँ SDRF, NDRF, आर्मी, BSF सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी है। खराब मौसम के कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कठिनाई आ रही थी, आज फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी बचाव का काम प्रारंभ किया है। आर्मी और BSF की टीम भी लगी हुई है, NDRF की टीम, तीन टीमें पहले से थी, दो टीमें और अभी आ रही हैं। आर्मी के 4 कालम और हमारे SDR की 70 से ज़्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। अब तक 5 हमारे हेलीकॉप्टर्स, 4 ग्वालियर में और 1 शिवपुरी में। खराब मौसम के कारण मैंने बताया कि कल केवल कुछ काम हो पाया था, आज फिर काम प्रारंभ किया है। अभी जो हमारी दिक्कत है, क्योंकि राहत मिली है हमको शिवपुरी में, क्योंकि पार्वती नदी का जो जल स्तर है वो अब बारिश कम हो गई है और जल स्तर कम होना शुरू हुआ है। मैं अलग अलग जिलों की स्थिति भी आपको बताना चाहता हूँ। ग्वालियर में पानी अभी रुका हुआ है, वाटर लेवल थोड़ा घटना शुरू हुआ है, बाढ़ से 40 गांव प्रभावित है और 17 रेस्क्यू स्थल है, 15 में काम पूरा हो गया है, 2 पे काम चल रहा था। 3000 लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है, 13 स्थान पर राहत के कैंप लगाए गए हैं। दतिया में आर्मी पहुंच गई है, पाली में रेस्क्यू का काम चल रहा था, 36 ग्राम प्रभावित है, 18 रेस्क्यू स्थल है, 16 में काम पूरा हो गया है, लोग लगभग 1100 को रेस्क्यू किया जा चुका है। वाटर लेवल दतिया में भी अब कम हो रहा है, 1 स्थान से एयरलिफ्ट किया गया है, पुजारी जी को मोटर बोट से बढ़ाया गया है, बचाया गया है, सभी मुख्य मार्ग बंद है, NH3 भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है, पुल पे 1 स्थान पे क्रैक आया है। आप जानते हैं रतनगढ़ का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और 1 पुल और वहाँ टूटा है। शिवपुरी में भी मैंने जैसा बताया वाटर लेवल अब घट रहा है, 22 प्रभावित गाँव हैं, रेस्क्यू का काम वहाँ लगातार चल रहा है, राहत के कैंपों में भी लोगों को रखा गया है, 801 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भिंड में SDRF की टीमें पहुंच गई है, चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है, हमारे लिए चिंता का विषय भिंड और मुरैना के लिए, क्योंकि चंबल का पानी खतरे के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और कोटा बैराज से भी अभी पानी छोड़ा है, वो पानी भी जब पहुँचेगा तो ये वाटर का लेवल और ऊपर बढ़ेगा, इसलिए भिंड में और विशेषकर मुरैना जिले में निचले स्थानों पर जो गांव थे उनको खाली करवाने का काम लगातार जारी है। भिंड में भी 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है, सिंध नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, चंबल की स्थिति मैंने बताई, 25 गांव प्रभावित है, SDRF यहां
काम पर लगी हुई है। श्योपुर में हमारे ज्वालापुर, घेरावत, मेवाड़ा और जाटखेड़ा ये पूरी तरह से घिरे हुए थे, लेकिन वहाँ पानी का लेवल अब कम हो रहा है। आर्मी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है, रास्ते में जगह जगह पानी है, पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए आर्मी रास्ता बनाते हुए वहाँ आगे बढ़ रही है, लेकिन लोग अभी सुरक्षित है क्योंकि पानी का जो स्तर था वो लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसलिए जिंदगी को खतरा नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मुरैना में सावधानी के तौर पर जैसा मैंने आपसे बताया, गांव खाली करवाने का काम लगातार जारी है, सुरक्षित स्थानों पर उनको ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम जो था, विशेषकर टेलीफोन, श्योपुर जिले में वो व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, तो हमने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से भी बात करके हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो गया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें। रेलवे के ट्रैक के बारे में आपको जानकारी है, बीच में पानी भी आ गया था, और अभी गुना सिकरी के बीच में तो रेल सेवा बंद है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूँ, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने स्थिति की जानकारी दी, गृह मंत्री जी से चर्चा हुई, केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हम बना पाए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण हम आर्मी को भी तुरंत बुला पाए। हर संभव प्रयास जारी है, लेकिन ये अप्रत्याशित स्थिति है। कल तक ही लगभग 800 मिलीमीटर पानी शिवपुरी में, श्योपुर में गिर चुका था, बीच में लगातार बारिश होती रही, अब ज़रूर बारिश का वेग कम हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों को सुरक्षित भी निकालेंगे और बाद में राहत के और व्यवस्था बनाने के काम भी तेजी से हम जारी रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त सागर संभाग एवं बुंदेलखंड का एकमात्र बुनियादी चिकित्सा का कॉलेज, जिसमें प्रवेश लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप पा सकते हैं रोजगार और स्वरोजगार। इसमें हो रहा है सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार कोर्स, जिसके द्वारा आप खोल सकते हैं अपना फर्स्ट एड सेंटर और कर सकते हैं प्राथमिक उपचार। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।